700 रुपए में के आसपास बेचा जा सकेगा। इस टैबलेट कंप्यूटर में इनबिल्ट सेलुलर मॉडेम और सिम होगा, जिससे कि इंटरनेट एक्सेस किया जा सकेगा, लेकिन यह महंगे वाले मॉडल में होगा। सरकार द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले मॉडल में यह नहीं होगा। ये टैबलेट गूगल के एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे। इनमें इंटरनेट कनेक्शन के लिए वाईफाई की सुविधा भी है। इसे इनमें 256 MB रैम होगा और 32 GB तक की इसमें मेमोरी होगी। और वहीं ये टैबलेट जो कि कपिल सिब्बल ने लॉन्च किया, इससे पहले भी बात हो रही थी, कपिल सिब्बल ने कहा था कि उससे सस्ता कंप्यूटर लॉन्च करेंगे। अब इस टैबलेट को लॉन्च करने के बाद छात्रों को भी ये भार आया, उनका मानना है कि पैड उनके लिए काफी मददगार साबित होगा। ₹2,246 ठीक है, 76 रूपये है। उसमें जो 50% सब्सिडी है वो सरकार देगी, तो लगभग बच्चों को और इंस्टीट्यूशन को, बच्चों को नहीं, इंस्टीट्यूशन को ₹1,100 का पड़ेगा, ठीक है। और अभी आपको तुली साहब ने बताया जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि इसमें सारी टैक्सेस भी इंक्लूडेड है। दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो और अब दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट आकाश। ऑटोमोबाइल के बाद भारत ने हार्डवेयर की दुनिया में भी अपना झंडा गाड़ दिया है। शुरू में तो ये सिर्फ 1,00,000 छात्रों के लिए ही होगा, लेकिन बाद में जब इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाएगा तो इसकी कीमत $10 यानी करीब ₹500 से भी कम रह जाएगी, और तब ये दुनिया में संचार क्रांति का एक नया माध्यम साबित होगा। कैमरा पर्सन कपिल के साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी, P7 न्यूज, दिल्ली।